फ्रेंड्स, माय नेम इज रुपमा एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या कि ये बड़ा बोर्ड है, तो हो सकता है आपको क्लियर विजिबल ना हो, तो उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले क्लिक कीजिए तो थ्री डॉट आ जाएगा। थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे क्वालिटी का ऑप्शन खुल जाएगा, तो क्वालिटी में आप जाकर 480p या फिर 360p पे सेट करके देखिए, आपको क्लियर विजिबल होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स की के की वैल्यू को फाइंड करना है। कंडीशन क्या दिया गया है मेरे पास, किसके नो सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, उसके बाद a1 a2 b1 b2 ये सब निकाल के नो कंडीशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन लगा दीजिए बस। तो मेरे पास गिवन इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या है, मेरे पास गिवन इक्वेशन जो है kx+3y = k-3 है। ठीक है, इन दोनों टर्म को इधर लाएंगे तो k मेरा माइनस में आ जाएगा और 3 मेरा प्लस में हो जाएगा, = 0 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो दिख रहा है 12x+ky = k दिख रहा है, k को इधर लाएंगे तो ये मेरा k माइनस में आ जाएगा और 0 के इक्वल कर देंगे। एक्चुअली ये किस फॉर्म में है, a1x+b1y + c1 = 0 के फॉर्म में है, a2x+b2y + c2 = 0 के फॉर्म में है। यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, a1 का वैल्यू k आ जाएगा, b1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -k + 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से a2 लिखना चाहे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, b2 लिखना चाहे कितना आ रहा है, k आ रहा है, और c2 लिखना चाहे कितना आ रहा है, -k आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन का केस लगा देंगे। तो बस यहाँ पे लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन a1 / a2 = b1 / b2 ≠ क्या होता है, c1 / c2 होता है। ठीक है, a1 कितना है, a1 मेरे पास k है तो k पुट कर लीजिए, a2 कितना है, 12 है तो 12 पुट कर लीजिए, इक्वल का साइन दे दीजिए, b1 कितना है, 3 है तो 3 पुट कर लीजिए, b2 कितना है, k है तो k पुट कर लीजिए, ≠ c1 कितना है, -k + 3 / कितना, -k है। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस इन दोनों को इक्वल कीजिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो k² आ जाएगा, k × k² = का साइन दे दीजिए, 12 3 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो k = क्या आ गया, k² = कितना आया, k² = 36 है, तो k का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ±√36 आने वाला है। यहाँ से रूट हटाएंगे तो एक +6 आएगा और एक -6 आएगा। अब इन दोनों में चेक करना है कि कौन वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बस कुछ मत कीजिए, उसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले k = +6 पुट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 / कितना कर ले, 12 कर लेते हैं, = 3 / कितना, 6, और ≠ -k की जगह 6 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा -6। ठीक है, ऐसा, चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/2 इक्वल है। इसके लिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर करना चाहे तो -3 और ये कितना आ जाएगा, -6। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, बट ये मेरा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब क्या कि +6 नहीं होने वाला है, और -6 रख के चेक कर लेते, तो -6 रखेगा तो k की जगह -6/12 = 3/ कितना, -6, और ≠ और -6 पुट करेंगे तो +6 हो जाएगा, और +3/ कितना, माइनस है, और -6 कितना आ जाएगा, -±+, तो यहाँ से ऐसा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 9/6 आ जाएगा, मतलब 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/2 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। सही है, मतलब क्या कि -6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और पूरे एक्सरसाइज को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए।